Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to kickstart a new topic, district administration. Other than that, ARC पे वीडियोस अवेलेबल हैं इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई भी डाउट है, क्यूरी है तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं. इसके अलावा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इस पोस्ट को या इस ऑफिस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग रीजन्स के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. कई जगह इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोला जाता है या डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता है. तो अलग अलग नाम हैं, बट फिर भी ये पोस्ट है क्या, किस तरीके से इसको इवोल्व हुआ है ये पोस्ट, या किस तरीके से इसका इवोल्यूशन है, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. फर्स्ट क्रिएटेड इन द 1772. आपको पता होगा कि जैसे ही बक्सर की लड़ाई ख़त्म होती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल वाले रीजन पे दीवानी राइट्स ले लेते हैं. उसके बाद 1772 के अंदर रिवेन्यू पर्पज़ के लिए फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है. बट एक साल बाद इसको एबॉलिश कर दिया जाता है, लेकिन फिर इसको रिस्टोर किया जाता है कुछ टाइम बाद 1781 में. 1786 में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज एज ए फिजिकल यूनिट ईच अंडर अ कलेक्टर. 87 में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मजिस्ट्रियल पावर भी मिल जाती है. कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती, बट फिर भी उसको मजिस्ट्रियल पावर मिल जाती है. 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे लागू होता है. कॉर्नवालिस कोड क्या करता है, डाइवेस्टेड द कलेक्टर ऑफ ऑल जुडिशियल एंड मजिस्ट्रियल पावर. कलेक्टर बिलोंग टू ब्रिटिश सिविल सर्विस. ये आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो ऑफिस है वो इवॉल्व हुआ है. 1857 से पहले इनका काम क्या था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो था कि ये फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे गवर्नमेंट के फॉर रिसीविंग वेरियस टाइप ऑफ रिवेन्यू, और गवर्नमेंट ट्रेजरर होते, दैट मीन्स इन चार्ज ऑफ लोकल फंड. एज ए मजिस्ट्रेट इनका फंक्शन होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस को मतलब सुपरवाइज करना, और जेल्स को मैनेज करना अच्छे से. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ जेल्स एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस. राइट, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. 1857 में क्या होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, सिपोही म्यूटिनी जिसको आप बोलते हैं. तब से लेकर के 1909 तक अराउंड 50 ईयर्स क्या कुछ चलता है, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ कलेक्टर. उसके बाद 1907 में रॉयल कमीशन लाया जाता है ऑन डिसेंट्रलाइजेशन. तो वो ये बात कहता है कि देर इज़ नीड टू स्ट्रेंथन द ऑफिस, यानी कि कलेक्टर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. 1919 का जो एक्ट लाया गया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लाया गया था एक्ट, उसके बाद डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी. डायरकी में इंप्लीमेंट हुआ था डायरकी वाला प्रोविजन इन द ईयर 1921 में, और इस प्रोविजन के इंट्रोड्यूस होने के बाद देर इज ग्रेट ब्लो टू द अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ कलेक्टर. क्या हुआ कि अभी तक कलेक्टर के पास जितनी भी पावर थी वो एक तरीके से कम हो गई या उसका डिक्लाइन देखने को मिला. साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें साइमन कमीशन डिसअप्रूव करता है ऑफ द वीकनिंग ऑफ कलेक्टर्स पोजीशन, यानी कि किसी भी हद तक कलेक्टर की पोजीशन वीक नहीं हो रही है. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कहता है, एंड डायलेटेड कलेक्टर्स ऑटोनॉमी, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स आप जो लोकल लोग हैं उनके हाथों में पावर दे रहे हो, पॉलिटिशियंस के हाथों में पावर दे रहे हो. राइट, तो अब क्या करता है, जो पॉलिटिशियंस के हाथों में पावर देने की वजह से कलेक्टर की ऑटोनॉमी थी वो कम हो गई. ही हैड टू वर्क इन कोलेबोरेशन विद इलेक्टेड मिनिस्टर्स, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है उन्हीं के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा. बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला प्रोविजन ही खत्म हो गया. उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको एक हद तक ये रीज़न देखने को मिलेगा कि कलेक्टर जो ये जो पोस्ट है जितनी स्ट्रॉन्ग आपको पास्ट में देखने को मिलेगी वो आपको अब बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस उतनी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि मेन रीज़न इसका रहा कि अब क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आने लगे, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक नया एक वर्ग उभर के आया जिसको हम पॉलिटिशियन कहते हैं. तो कलेक्टर के पास अब उतनी पावर रही नहीं. ठीक है, रोल्स इन इंडिपेंडेंस. 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट होती है. उसके बाद में क्या चेंज आता है कलेक्टर के रोल में, इसका रोल मल्टी डायमेंशनल होता है. ऐसा नहीं है कि आपको भी पता होगा कि कलेक्टर का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम है रिवेन्यू को कलेक्ट करना, नहीं, इसका रोल मल्टी डायमेंशनल होता है. और फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कलेक्टर के रोल को वो क्या थे, डेमोक्रेटिक सेटअप. अब इसने काम किया था ब्रिटिशर्स के अंडर, ब्रिटिशर्स क्या थे,
डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर रखा था उन्होंने इंडिया में, लेकिन जैसे कंट्री इंडिपेंडेंट होती है उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स कि अब लोगों के हाथ में पावर चली जाएगी, लोग अपनी सरकार को चुन करके भेज सकते हैं, राइट, वो उनके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो आया उसने कलेक्टर के ऑफिस जो था उसके रोल को काफ़ी हद तक चेंज किया। सेकेंड थिंग थी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि उनको पावर मिलेगी, लोअर लेवल या लोकल लेवल जो है उनको पावर दी जाएगी। डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अब क्या दे दी उनको, डेवलपमेंटल। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया, तो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के साथ ही डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्टर के कंधों पर आ गई। इसके अलावा राइज ऑफ पब्लिक कॉन्शियसनेस, अब पब्लिक को भी पता चल गया था क्या सही है क्या गलत है, उनके हक क्या हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जागृत हुई लोगों के अंदर। इसके अलावा फ्री एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्या कहता है, एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, राइट, तो हमें फंडामेंटल राइट मिले। अब क्या है, पब्लिक अपनी एक्सप्रेस कर सकती है अपनी विलिंग, अपनी जो इच्छाएं हैं, क्या चाहती है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये चेंज आए और ये फैक्टर रहे जिन्होंने कलेक्टर के रोल को चेंज किया। अभी ऑफिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो ये कलेक्टर है, कलेक्शन नहीं है, कलेक्टर है, इट बिलोंग टू द IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ये बिलोंग करते हैं, एंड इज अपॉइंटेड अंडर द लैंड रिवेन्यू कोड। इनके पास बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट लॉ के अंडर बहुत सारी पावर्स होती हैं। बेसिकली इनको स्टेट के अंदर काम करना होता है और अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी होता है, DM आपने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मजिस्ट्रियल पावर हैं वहाँ पर इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, बट कई जगह पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके पास कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन की पावर है, मजिस्ट्रियल पावर नहीं है, वहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, और कई जगह पर इनको डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। इसके अलावा क्या हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कलेक्टर की पोजीशन को थोड़ा कमज़ोर बना दिया, वीकेंड द पोजीशन ऑफ कलेक्टर। देन कॉन्स्टिट्यूशन डायल्यूट्स हिज पोजीशन एज ए DM। DM मीन्स उनकी मजिस्ट्रियल पावर जो थी उनके पास उसको कम कर दिया। आर्टिकल 50, DPSP का आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और उसके पास मजिस्ट्रियल पावर मीन्स उसके पास जुडिशियल पावर थी, तो जुडिशियल पावर को अलग करो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो अथॉरिटी थी DM की वो कम हो गई। सेकेंड फैक्टर जो उभरा वो था पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट चैनल बन करके उभरी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। कलेक्टर्स रोल साइड ट्रैक्ड समटाइम्स, क्योंकि अब उतनी अहमियत रही नहीं, अब जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं लोगों तक ज़्यादा कनेक्टेड रहने लगे। अदर देन दैट एमरजेंस ऑफ सेवरल टेक्निकल डिपार्टमेंट हेडेड बाई स्पेशलिस्ट। अब क्या है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट या कह सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट उभर करके आने लगे जहाँ पर एक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक स्पेशलिस्ट काम करता था, तो वहाँ पर भी कलेक्टर का रोल कम हो गया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर्टेल्ड हिज पावर। अदर देन दैट आप ये कह सकते हैं, अगर एक लाइन में आपको समअप करना हो, कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप रोल कंटेंट हैड टू चेंज। आपको मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रोल तो चेंज होगा ही होगा। नो इंस्टीट्यूशन टुडे इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट इट वाज यस्टरडे। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो पहले था, जो पास्ट में था, वैसा का वैसा ही अभी हो, नहीं, उसको कंडीशंस के हिसाब से, एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज होना ही होना पड़ेगा। 1947 से पहले इंडिया एक कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स के अपने इंटरेस्ट थे, तो उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कलेक्टर के ऑफिस को क्रिएट किया गया था। लेकिन 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कुछ सालों बाद, फिर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है, वेलफेयर चाहती है अपने लोगों का, तो उसके फिर क्या है, पर्पस अलग हो जाते हैं, मोटिव अलग हो जाते हैं। तो अब क्या है, जो IAS हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन है, अब उनको अलग ओरिएंटेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो देयर इज नो इंस्टीट्यूशन टुडे इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट इट वाज यस्टरडे। ये याद रखना, आप इसको एग्जाम भी कॉट कर सकते हैं। ही स्टिल रिमेंस द जनरल मैनेजर ऑफ गवर्नमेंटल बिजनेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसका इन्फ्लुएंस मान सकते हैं हम कि थोड़ा कम हो रहा है, दो हिज इन्फ्लुएंस इज श्रिंकिंग, इज एरिया ऑफ फंक्शन इज एज वास्ट एज बिफोर। उसके काम करने का दायरा पहले जितना ही बड़ा है। ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब उसकी पावर्स क्या हैं या वो क्या क्या रोल है उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल 9 PM
आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर अवेलेबल होगा और 9 AM जो है आपको इग्नू का लेक्चर अवेलेबल होगा. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक विल बी रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.